ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन, और देख लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए जून का पहला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो प्लानिंग। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। तो टाइम अच्छा है किस चीज़ के लिए, प्लान करने के लिए चीज़ों को। फाइनेंशियल गेम्स हो सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है। रोमांस, लव इज़ सेट टू सिजल, द चांस ऑफ रोमांस इज़ हाई। अगर आपकी लाइफ में आप चाह रहे हैं कि वो रोमांस आए, तो जल्दी ही वो रोमांस आ सकता है। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और आपकी जो काउंसलिंग स्किल है वो उनको मदद कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि एंजल्स कह रहे हैं कि टाइम अच्छा है टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट करें, यू नो, और हो सकता है कि लेटली आपने बहुत कुछ फेस किया है। और एंजल्स कह रहे हैं कि आपके कुछ प्लान्स रहे हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, तो अब आप कुछ सेटअप कर सकते हैं, यू नो, या आप शुरुआत कर सकते हैं किसी चीज़ की, वो एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। चलिए अब आगे पढ़ के देखते हैं। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, ये तो जनरल मैसेजेस होंगे कि जो भी सबके लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ स्पेशली, कि लव लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर ऑल द जेमिनी, ओके, तो जेमिनी यहाँ पे इट्स लाइक कैरिंग अ बर्डन, कि आप एक बोझ कैरी करके चल रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टक है सिचुएशन। ऑफ कोर्स आपकी जो रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टक दिखाई दे रही है, और वही बोझ आप शायद हो सकता है कि कैरी करके चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? ओके, यू ऑलरेडी नो, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पता है सब कुछ, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स विद इन। आपके अंदर वो क्या बोले, उसके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है चीज़ों को लेके, आपको पता है, ऑलरेडी यू नो द आंसर्स, ठीक है। आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं, ऑफकोर्स ये देखिए ये कार्ड उछल के आ रहा था, दैट मीन्स ये जो पर्सन है ना, ये स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट शायद कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज लाइक ऑलरेडी वो किसी कनेक्शन में है या मैरिड है, ये स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि लाइक यू नेवर नो कब हो सकता है, तो इस चीज़ का कोई पता नहीं है। बस ये चीज़ है कि इनकी जो इंटेंशन है वो आपको लेके, इट्स लाइक कि दे वॉन्ट इट। अब आउटकम भी यही चीज़ है कि इट्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वो चीज़ कब सॉल्व हो वो कुछ कह नहीं सकते। कुछ के लिए हो सकता है, अगर इफ़ इट इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आप लोग मैरिड हैं ये, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, एंड आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रीकनेक्ट कर सकते हैं, कोई आपसे रीकनेक्ट कर सकता है, ये चीज़ हो सकती है। या चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव भी आपकी तरफ देख लेते हैं। सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑन ऑफ करते रहते हैं, कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए, तो इट्स लाइक कि अभी ये अनफिनिश्ड बिजनेस है। हो सकता है आप लोगों की बात ना हो रही हो, या कम बात हो रही हो, या कुछ भी इश्यूज हैं, ठीक। तो क्या चल रहा है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ से शुरू है वहीं पे बार बार आके वहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आएंगे या मैसेज आपको कर सकते हैं फ्यूचर में, आप लोग रीकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? जब तक सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि हो सकता है कोई रिग्रेट कर रहा हो, या हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ बातें हुई हैं, आप वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, आपको यू नो क्या इंटेंशन था इस पर्सन की,
टू हील दिस रिलेशनशिप. मे बी इट्स अबाउट दे वॉन्ट टू हील दिस रिलेशनशिप. बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं ये पर्सन, बट या तो रिग्रेट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं. दीज आर द थिंग्स आई एम गेटिंग फ्रॉम, मतलब ये चीज़ें हैं. बट ठीक है, ओवरऑल अभी हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि येस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए या आपसे बात करें और अबाउट योर लाइक फ्यूचर या ऐसी कोई बातें हो सकती हैं. चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं. तो करियर वाइज जेमिनी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एन अपॉर्चुनिटी. वाओ, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. यू आर अ स्टार. बट विद द अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स बर्डन भी आता है. कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं. मे बी इट्स अबाउट दैट. सी इट्स लाइक आपने शायद हो सकता है ये सोच रखा हो. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइक एन अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आप चाह रहे थे डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंस, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको यू नो बॉदर कर रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, कि आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं बट वो चीज़ें यू नो हो नहीं पा रही हैं. अब यू नो लाइक हो सकता है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या हो सकता है कि आप उतना कर नहीं पा रहे हैं. ऑल दो आपका ये पाथ है, यू आर डूइंग लाइक आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टार इन द मेकिंग जिसे कहते हैं, या बहुत अच्छा चल रहा है, या सब कुछ यू नो आपके फेवर में हो रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बर्डन हैं. बर्डन किस बात को लेके? अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, या हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं. और मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जस्ट लाइक टेकिंग अ ब्रेक, मतलब खुद को टाइम देना, थोड़ा सा टाइम देना, ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं. तो चलिए जेमिनी के लिए व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप करियर. ओके, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यस फाइनेंशियली आई थिंक इट्स अबाउट यू आर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आपके जो हाईलाइट हो रहे हैं. इट्स अबाउट दैट. तो इस हफ्ते थोड़ा खर्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट आप बर्डनड ना फील करें. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, या फिर हो सकता है कि कुछ लाइक क्या बोले उसको, कि फाइनेंसेस को लेके कोई रास्ता निकल सकता है. मान लीजिए कि आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सेकेंड बिजनेस या ऐसा कुछ, तो आप वे आउट निकाल रहे हैं कि अच्छा ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो ऐसी ये मैसेजेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं. ऑफकोर्स यू विल कम आउट ऑफ इट. तो अपनी एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि यू नो खुद के पोटेंशियल को पहचानिए. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड यू हैव दैट पोटेंशियल. आई डोंट नो, मे बी आप कुछ लाइक आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप लाइमलाइट में हैं, यू आर डूइंग वंडरफुल. तो ये अच्छी एनर्जीज हैं कि आप बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं इन योर लाइफ. बिलीव कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए. चलिए एक मैसेज ले लेते हैं कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए. बी असर्टिव, बींग टू गुड. ओके, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है. बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप सबको इग्नोर कर रहे हैं, आप सबकी आंखों में अच्छे नहीं बन सकते. बी वेरी लाइक ओपन. अब ये रिलेटेड किस लिए है? ये आपका एक काम है, आपका एक पाथ है, आप अपना काम कर रहे हैं. हो सकता है कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि कोई यू नो आपको मिसगाइड कर रहा है, या मिसलीड कर रहा है, या आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. तो एंजल्स कह रहे हैं कि इग्नोर कीजिए अपनी यू नो जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट असर्टिव, कि हाँ अपनी बात रखना सीखिए कि आप क्या चाह रहे हैं या आप कैसे सोचते हैं. लोगों की बातों में मत आइए. यहाँ क्लियर मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में. लोगों का बर्डन मत लीजिए, लोगों का प्रेशर मत लीजिए. हो सकता है कि कोई आपके फाइनेंसिस को लेके थोड़ा सा यू नो
लाइक कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या वट एवर. सो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी ऑनेस्ट एंड डोंट ट्राई टू बी टू गुड. ज़्यादा अच्छा कहते हैं ना बनना भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी कहा था कि हाँ, फ्रेंड इन नीड्स योर अ फ्रेंड इन नीड यू नो लाइक दे नीड योर हेल्प. तो इसका मतलब ये है कि आप मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके नहीं. ठीक है, बीइंग टू गुड. लोग आते हैं आपसे मदद मांगते हैं, बट बीइंग टू गुड इज़ ऑल्सो नॉट एन आंसर. ठीक है, कि अगर आपका लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हो तो वो भी चीज़ नहीं है. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.